गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमारा सेक्शन चल रहा था लीडरशिप एंड टाइम मैनेजमेंट, और लीडरशिप टाइम मैनेजमेंट हम बात कर रहे थे प्रोक्रास्टिनेशन की। प्रोक्रास्टिनेशन जिसको हम कहते हैं कि जब भी कोई टास्क को अचीव करने में कोई अननेसेसरी डिले या कोई ऐसी एक्सक्यूजेज आ जाए जिनकी वजह से हम अपने टास्क को अचीव ना कर सकें, तो उसमें एक हमने बात की थी नो एक्सक्यूजेस की। फिर हमने बात की थी prioritize की, to do it now, understand how much time it take to do the task, not all tasks take some time, same times, understand what and why of your procrastination tendency, don't be a last minute decision taker, gather information for a task in advance, if we have wait for the moment when everything absolutely everything is ready we shall never be। तो ये वो तमाम रीजन थे जो प्रोक्रास्टिनेशन के सबब बनते हैं, जिसकी वजह से किसी भी टास्क को अचीव करने में टाइम डिले टैक्टिक्स आती है। अब हम बात करेंगे फाकी, कैन आई यूज अ कंप्यूटर फॉर टू डू लिस्ट, क्या मैं अपनी टू डू लिस्ट की प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर सकता हूँ? डेफिनेटली आज के दौर में बहुत सारे लोग सेलफोन और कंप्यूटर को एज ए टूल्स यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ टू डू लिस्ट। व्हाट अबाउट अ मोबाइल डिवाइस और अ पर्सनल ऑर्गेनाइजर? मोबाइल के अंदर सेलफोन के अंदर जो पर्सनल ऑर्गेनाइजर मौजूद होता है वो बनाया ही एप्लीकेशन इसलिए गई है ताकि एक इंडिविजुअल अपनी टू डू लिस्ट को डेवलप करे और हम अपने पास रखे और टाइम टू टाइम उसको डे रूटीन में फॉलो कर सके। How do I handle follow-up tasks? और फिर मैं किस तरीके से हैंडल करूँगा, किस तरीके से फॉलो अप करूँगा अपने टास्क को ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एंड एग्जीक्यूशन। अब हम बात करेंगे टिप्स की। शॉर्ट एनालिसिस, इंसान को जो है अपना शॉर्ट एनालिसिस इंडिविजुअल का करना चाहिए। शॉर्ट एनालिसिस के चार डायमेंशन होती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। किसी भी सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर के लिए जरूरी होता है कि वो टाइम टू टाइम शॉर्ट एनालिसिस करे। शॉर्ट एनालिसिस में स्ट्रेंथ हम कहते हैं वो हमारे फेवरेबल पॉजिटिव फैक्टर्स जो किसी भी टास्क को अचीव करने में मेन रोल प्ले करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। वीकनेसेस कहते हैं वो नेगेटिव और वो अनफेवरेबल फैक्टर जो टास्क को अचीव करने के लिए हमारे पास कम है या नहीं है, ये हमारी वीकनेसेस कहलाती है। इनका ताल्लुक इंटरनल फैक्टर्स होता है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जो भी हम टास्क अचीव करने जा रहे हैं उसका एक्सटर्नली फेवरेबल फैक्टर क्या है जो उस टास्क के अचीवमेंट में हमें सपोर्ट करेंगे। और फिर एक्सटर्नली सेकंड फैक्टर आता है थ्रेट्स, वो कौन से अनफेवरेबल नेगेटिव फैक्टर हैं जो टास्क को अचीव करने में हमारे लिए हर्डल का सबब बने। तो ये चार डायमेंशन शॉर्ट एनालिसिस कराती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। दो का ताल्लुक इंटरनल से है, दो का ताल्लुक एक्सटर्नल से। फिर उसके बाद है गेट अप 15 मिनट्स अर्ली। किसी भी इंडिविजुअल को अपनी रूटीन या अपने डे का आगाज जो है अपनी परफॉर्मेंस के स्टार्ट करने से पहले कर देना चाहिए। और नॉर्मली आप अपने आप को 15 मिनट्स अर्ली गेट अप यानी आप वेकअप हो ताकि आप अपने आप को मेंटली एडजस्ट और मैनेज करने के लिए तैयार रहें। मेक अ टाइम फॉर योरसेल्फ, आप डेफिनेटली अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए टाइम मैनेज करें, अपने आप को टाइम दें ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड योर इफेक्टिव टाइम जोन। आपको समझने की ज़रूरत है अपने इफेक्टिव टाइम जोन की कि आपके पास जो अवेलेबल टाइम जोन है वो क्या है और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और उसके अंदर अवेलेबिलिटी कितनी है। तो आप अंडरस्टैंड करें योर इफेक्टिव टाइम जोन कि आपका इफेक्टिव टाइम जोन क्या है। नेक्स्ट है डील इफेक्टिवली विद इंटरप्शंस। आप अपनी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस आने वाली इंटरप्शन को डील करें इफेक्टिवली
ताकि वो इंटरप्शन आपकी परफॉर्मेंस और आपकी प्रोग्रेस के ऊपर मिनिमम नेगेटिव इन्फ्लुएंस रख सके, यानी ये इंटरप्शन आपको कम से कम नुकसान पहुंचा सके, तो आप उसको इफेक्टिवली डील करें। अपडेट योर टू डू लिस्ट डेली। एक बेहतर इंसान वो होता है जो अपने टू डू लिस्ट को अपने रूटीन का हिस्सा बना देता है और डेली बेसिस पे डेवलप करता है टू डू लिस्ट। डोंट ओवर शेड्यूल, कभी भी अपनी टू डू लिस्ट में ओवर शेड्यूलिंग नहीं करें, यानी उतनी टास्क डिवेलप करें जो आपके लिए पॉसिबल हो, इतने टास्क डिवेलप करना जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो या आपके लिए जो है स्ट्रेस का सबब बन सकते हैं। यही वजह है कि अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए कभी भी ओवर शेड्यूलिंग ना करें। कीप योर लिस्ट इन साइट और अपनी जो प्रिपरेशन जो आपने लिस्ट डिवेलप की टास्क थी उसको हमेशा अपने साथ रखें, ताकि टाइम टू टाइम उसको फॉलो कर सकें, उसको रीड कर सकें और उसको ऑब्जर्व कर सकें। डेलीगेट इफ पॉसिबल, और अगर अपने टास्क में दूसरे लोगों की कंट्रीब्यूशन है तो डेफिनेटली अपने टास्क को डेलीगेट करें अगर पॉसिबल है, ताकि उनकी अचीवमेंट श्योर हो सके। गेट ऑर्गेनाइज, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें पेपर ईमेल पेपर्स के जरिए, ईमेल के जरिए, जिसके ताकि आपकी इंफॉर्मेशन की कोई वीकनेस ना रहे और आप मैक्सिमम लेवल पर अपने टास्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अचीव करने में कामयाब हो जाए। डू डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट, और अपने वैरायटी ऑफ टास्क में जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है उसको सबसे पहले करें, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम जो होता है वो बड़ा पोटेंशियल टाइम होता है जिसके अंदर आप डिफिकल्टीज को फेस करने में स्ट्रेस नहीं फील करेंगे, और इजी टास्क को बाद में रखें। तो इस तरह आप जो है अपने मुख्तलिफ टिप्स को फॉलो करके अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव और इन्हेंस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गेटिंग स्टार्टेड, अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट करने। राइट डाउन गोल्स ऑफ योर लाइफ, आप राइट डाउन करें अपनी लाइफ की गोल्स को, कि आपकी गोल्स की लाइफ क्या है। राइट डाउन गोल्स ऑफ योर लाइफ, यानी आपको कंटिन्यूसली अपनी जिंदगी की जो आपकी मकसद हैं, गोल्स हैं, उनको तहरीरी तौर पर ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में पुट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गोल्स आप लॉन्ग टर्म होती हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनको रिकॉल रिवाइज और फॉलो करने के लिए इसका तहरीरी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होते हैं जो अपने गोल्स को डेफिनेटली ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में डेवलप करते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज टॉटेस्ट कोर्स ऑन ऑफर एंड मैनी फेल। टाइम मैनेजमेंट जो है एक ऐसा टॉर्चर्स कोर्स है जो कि ऑफर करता है, और बहुत सारे लोग इसके अंदर फेल हो जाते हैं क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट को या तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते या टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाते। प्रैक्टिस टू डू दिस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। आप स्टार्टिंग में जब अपने आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने जा रहे हैं तो आप अपनी टू डू लिस्ट को अपकमिंग 3 मंथ तक डेली बेसिस पे डेवलप करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम लेवल पे उसको अचीव किया जा सके। देन इट बिकम अ हैबिट। आफ्टर 3 मंथ ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप ऑटोमेटिकली एक रूटीन का हिस्सा बन जाएगी कि आप अपनी टू डू लिस्ट डेवलप करते रहेंगे। डोंट गिव अप, इस आदत को कभी छोड़े नहीं कि आपने अपनी टू डू लिस्ट को डेवलप करना छोड़ दिया। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। एक बहुत ही अहम फ्रेज है कि अगर कोई प्लान नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी एक प्लान कर रहा है, वो प्लान है टूवर्ड्स फेलियर। यानी प्लान ना करना इस बात की श्योरिटी है कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, और प्लान करना श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटीज है सक्सेस की तरफ, क्योंकि फिर मेन रूल आता है उसके इम्प्लीमेंटेशन का। लेकिन प्लान ना करना श्योरिटी होती है किस चीज़ के फेलियर की। तो प्लानिंग इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ वर्कर्स, कि उनको प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। क्विक रिवीजन करते हैं इसको। राइट डाउन गोल्स इन द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले आप अपनी गोल्स को राइट डाउन करें और उसमें डेवलप करें। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप उसमें क्या क्या है। ब्रेक डाउन गोल्स टू द टास्क, और ये जो आपकी जॉइंट एक लॉन्ग एंड चैलेंजिंग गोल है इसको एब्रप्टली या वन स्टेप में कोई अचीव नहीं कर सकता,
तो इसकी अचीवमेंट को पॉसिबल बनाने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट टास्क में, ताकि टास्क बाय टास्क हम अपनी गोल्स के पोर्शन को कवर करते चले जाएं और इस तरह फाइनली हम अपने ओवरऑल गोल को अचीव करने में कामयाब हो जाए। अंडरस्टैंड योर मोस्ट इफेक्टिव टाइम जोन टाइम स्पैन। लाजमी तौर पर ये जरूरी है जानना कि आपका इफेक्टिव टाइम जोन क्या है, यानी आपकी गोल को अचीव करने का जो टाइम स्पैन है वो क्या है, ताकि इस दुनिया में कोई भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव उस वक्त तक इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं रहता जब तक उसको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम टाइम स्पैन के अंदर अचीव ना कर लिया जाए। अगर वो टाइम जोन से बाहर निकल गया तो उसकी इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, एफिशिएंसी माइनस हो जाएगी, और यही वजह है कि वो अचीवमेंट आपके लिए उतनी फेवरेबल नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। क्रिएट डेली टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। अगले 3 महीने तक आदत डालें डेली बेसिस पे डेवलपमेंट ऑफ टू डू लिस्ट की। अ पेज अ डे वर्क बेस्ट, और एक पेज डेवलप करें जो आपके डेली बेसिस पे आपके काम को बेहतर से बेहतर कर सके। वी हैव मोर टाइम अवेलेबल देन वी थिंक। हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है जैसा कि हम सोचते हैं, शॉर्टेज ऑफ टाइम। जब हम टाइम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम अपने जब टाइम को मैक्सिमम लेवल पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में यूटिलाइज करते हैं तो उससे हमारे टाइम की अवेलेबिलिटी में इजाफा हो जाता है। डू इट नाउ, आपको डिटरमाइन करना चाहिए वो कौन सी एक्टिविटीज, वो कौन से टास्क हैं जिनको अभी फौरन करना चाहिए। मेक टाइम मैनेजमेंट हैबिट, और टाइम मैनेजमेंट को अपनी आदत बना ली जाए ताकि इसको कभी छोड़ा ना जाए, और टाइम मैनेजमेंट की बुनियाद पर अपने कैरियर को फ्यूचर को ब्राइट बनाया जाए। डोंट गिव अप, स्टे मोटिवेटेड, कभी भी इसको खत्म ना करें और हमेशा मोटिवेट रहें, ताकि मोटिवेशन इज अ फ्यूल ऑफ परफॉर्मेंस। मोटिवेशन फ्यूल के तौर पर काम करता है आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी हार्डवर्किंग में, आपके स्ट्रगल में, ताकि आप कंटिन्यूसली बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को जारी सारी रख सकें। अचीव मोर इन लेस टाइम, और अचीव करें मोर एंड लेस टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में अचीवमेंट की कोशिश करें ताकि आपकी एफिशिएंसी इन्हेंस हो सके। आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा गोल अचीव कर सकें। इफ फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। वंस अगेन रिपीट द फ्रेज कि अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए तो उसका मतलब आप एक प्लान करने में कामयाब हो गए और वो प्लान है आपके फेल जाएगा, जो आपको डेफिनेटली फ्लॉप कर देगा। रिसोर्सेज, वो कौन सी रिसोर्सेज हैं जो नेसेसरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। इसमें सबसे पहले बुक, यहाँ पे कुछ बुक्स अवेलेबल हैं। स्टेफन की बुक है हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, कि किस तरीके से एक इफेक्टिव पीपल्स की हैबिट होनी चाहिए, ये आप बुक आपको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग कर सकती है रिगार्डिंग योर सक्सेस, रिगार्डिंग योर फ्यूचर। टाइम मैनेजमेंट किट, टाइम मैनेजमेंट किट्स यहाँ पे मौजूद हैं जिसके जरिए आपको फ्रूटफुल एडवाइस एंड ओपिनियन एंड काउंसलिंग की जाती है कि किस तरीके से आप एफिशिएंटली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। फ्रंट कवरी स्टोर्स मौजूद है, इवन नेट बुक मौजूद है, अ पेज अ डे मौजूद है जिसकी बुनियाद पर आप अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट रिसोर्सेज में आपके पास वेबसाइट्स मौजूद है balancedtime.com एंड timedoctors.com। ये वो वेबसाइट हैं जो मुख्तलिफ अहम मालूमात फराहम करती हैं रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, और जिसकी बुनियाद पर आप अपने टाइम मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आके हमारा सेक्शन ये कवर हो गया। अगर हम इस सेक्शन को रिकॉल करें तो हमारा ये सेक्शन था लीडरशिप एंड टाइम मैनेजमेंट। इसके अंदर लीडरशिप एंड टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमने सबसे पहले देखी वो कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है जो टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से डिफरेंट पीपल फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम की हमने वैरायटी देखी। फिर हमने देखा बैलेंस योर लाइफ, लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उस वक्त तक आप कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को एफिशिएंट नहीं बना सकते।
और लाइफ को बैलेंस करने के लिए चार डायमेंशन को फोकस करना बहुत जरूरी है, फैमिली, फाइनेंस, हेल्थ एंड वर्क। चार डायमेंशन में आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके ही कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज इट? टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं? ये हमने देखा इसके अंदर डूइंग द राइट थिंग एंड नॉट डूइंग द थिंग राइट एफिशिएंसी। टाइम मैनेजमेंट का जो बुनियादी मकसद होता है वो अपनी एफिशिएंसी को ऑप्टिमम लेवल पर इनहेंस करना। फिर हमने देखा गोल्स, गोल्स में हमने देखा वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 ईयर डाउन द टाइम, कि आप अपनी गोल को डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरह कि आप किस तरह देखना चाहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपने आप को। फिर हमने देखा रिटर्न गोल, गोल का तहरीरी होना बहुत जरूरी है। फिर इसके अंदर हमने डिस्कस किया हिंट्स टू फाइंड द गोल, वो कौन सी हिंट्स है जो आपकी गोल्स को डिटरमाइन करने में अहम फैक्टर या अहम रोल प्ले कर सकती है। बीइंग अ लीडर, आपके अंदर वो क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो आपको एक जनरल ह्यूमन बीइंग से एक लीडर बनाती है। फिर हमने देखा क्रिएटिंग अ टू-डू लिस्ट, टू-डू लिस्ट क्या होती है और टू-डू लिस्ट को क्रिएट किस तरह करना चाहिए और टू-डू लिस्ट का रोल क्या है आपकी सक्सेस में। फिर हमने देखा वर्किंग विद टू डू लिस्ट, किस तरीके से टू डू लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस किस तरीके से टू डू लिस्ट को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने टास्क को अचीव करने में कामयाब हो सके। एक यहाँ पे सैम्पल टू डू लिस्ट था एक इवेंट से रिलेटेड कि किस तरह किसी स्पेसिफिक इवेंट को अचीव करने के लिए आप टू डू लिस्ट को फॉलो और डिवेलप कर सकते हैं। फिर हमने अचीवमेंट की बात की, अचीवमेंट क्या होती है और अचीवमेंट के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं जिसकी बुनियाद पर अचीवमेंट पॉसिबल होती है। अचीवमेंट को हम ईयरली से लेकर डेली बेसिस तक लाते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर सकें। फिर हमने देखा ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को मुतासर करते हैं और हमारी प्रोग्रेस को डैमेज कर सकते हैं। उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा इंटरप्शंस, फिर हमने देखा क्राइसिस सिचुएशन और फिर हमने देखा प्रोक्रास्टिनेशंस। ये तीन वो ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को बुरी तरह वीक और मुतासर कर सकते हैं। इसमें डिटेल देखिए हमने इंटरप्शंस की, इंटरप्शंस कितनी तरह की होती है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। क्राइसिस सिचुएशन क्या होती है और कितनी वैरायटी होती है, इससे किस तरह बचा जा सकता है। प्रोक्रास्टिनेशंस क्या होती हैं, कैसे हमें अंदाजा हो कि हम प्रोक्रास्टिनेशंस की तरफ जा रहे हैं, डिले टैक्टिक्स की तरफ जा रहे हैं, वी आर नॉट अ मैन इन अवर वर्ड, जो हम कहते हैं वो कर नहीं रहे हैं। फिर हमने देखा फाक, किस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव और मैनेज कर सकते हैं। फिर हमने वो इम्पोर्टेंट टिप्स देखी जिनकी बुनियाद पर हम अपने टाइम मैनेजमेंट को मैक्सिमम लेवल पर एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं। फिर हमने देखा गेटिंग स्टार्टेड, किस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट को ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट और फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में हमने क्विक रिवीजन किया कि इस पूरे चैप्टर और टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या अहम चीजें फोकस की और क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं। और लास्ट में हमने एक मैसेज पे इसको एंड किया कि इफ फेल टू प्लान मीन्स यू प्लान टू फेल। यहाँ पे आज की हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।